धार्मिक व्यवस्था भी भारतीय व्यवस्था का एक भाग है। किसी भी सभ्यता और संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म के मार्ग पर चलकर सत्कर्मी उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, तो धर्म ही व्यक्ति को जीवन का मार्ग दिखाता है। भारतीय व्यवस्था में सभी धर्मों को समान संरक्षण है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि भारतवर्ष में सभी धर्मों को समान आदर होगा, किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगा, अर्थात राज्य द्वारा किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक संस्था स्थापित करने की भी स्वतंत्रता है। और यही कारण है कि भारतवर्ष में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च आदि में प्रार्थना करते हुए, नमाज अदा करते हुए, गुरुद्वारों में सत्संग और भजन आदि करते हुए देखा जा सकता है। भारत के लोग ही शायद दुनिया में ऐसे हैं जो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों की मान्यता, रीति रिवाजों आदि से भलीभांति परिचित होते हैं। भारत में ईद महोत्सव पर हिंदू भी मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर उनके घर पर दावत खाते हैं, और कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें दिवाली के पर्व पर देखने को मिलता है। रमजान के महीनों में भी रोजा इफ्तार की दावत में हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं और उनके साथ मिलकर खुशी का ये त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम भाई भी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर दीपावली का शुभ अवसर मनाते हैं। होली के रंग में भी सभी साथ मिलकर होली का त्यौहार का आनंद उठाते हैं। किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि दीपावली में भी अली है और रमजान में भी राम है। तो सभी धर्मों का व्याख्यान इतने कम अवधि में संभव नहीं है, परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हैं। ईसाई लोग प्रभु को यीशु के नाम से जानते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु का अर्थ उद्धार करता है। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। यहाँ यूसुफ नामक बड़ई के यहाँ उनकी मंगेतर मरियम के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। तब उनका नाम इमैनुअल था। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। सिख धर्म कोई धर्म ना होकर एक पंथ है, जिसके प्रवर्तक गुरु नानक देव जी है। यह हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। कुछ लोग इसे अलग धर्म मानने की भी भूल करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में लाहौर प्रांत के रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था। नानक जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। नानक ने अपने धर्म में गुरु के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनका तर्क है कि एक ईश्वर के उपासना के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि सिख धर्म में गुरु परंपरा आज भी बनी हुई है। क्या है इस्लाम? इस्लाम एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है शांति को अपनाना या उसमें प्रवेश करना। इस लिहाज से मुसलमान होने का मतलब उस व्यक्ति से है जो इंसान से लेकर परमात्मा तक सभी के साथ पूरी तरह शांति व सुकून भरा रिश्ता रखता हो। इस तरह इस्लाम धर्म का मूल स्वरूप यही है कि एक ऐसा धर्म जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्रेम और अहिंसा से भरा व्यवहार कर ईश्वर की पनाह लेता है। इस्लाम धर्म की बुनियाद कुरान, सुन्नत और हदीस है। कुरान वह पवित्र ग्रंथ है जिसमें हजरत मोहम्मद के पास ईश्वर के जरिए भेजे गए संदेश शामिल हैं। सुन्नत में मोहम्मद साहब द्वारा किए गए कार्य बताए हैं। वही हदीस ऐसा ग्रंथ है जिसमें मोहम्मद साहब के उपदेश शामिल हैं। यानी इस पवित्र ग्रंथ में मोहम्मद साहब के जीवन की बातों के अलावा सुन्नत भी शुमार है। इस्लाम धर्म की एक खासियत यह भी है कि इसे मोहम्मद साहब ने सोच विचार कर नहीं बनाया था, बल्कि इसका इल्हाम हुआ था, यानी समाधि की स्थिति में दर्शन हुआ था। कुरान का मतलब भी बोली गई या पढ़ी हुई चीज़ या बात है। हमारे जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो धर्म को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, हालांकि धर्म का काम नहीं है आपस में लड़वाना। धर्म जो है वो राजनीति से भी ऊपर है। वो हमारे जीवन का एक मूल आधार है, मूलभूत है। जो हमारे पुराने ऋषि मुषि महाराजा रहे हैं उस समय में देखें तो बहुत ही राजनीति के मर्मज्ञ पंडित हुए हैं। चाणक्य जी,
चाणक्य ने विक्रमादित्य को राजा बनाया, तो राजा बनकर जब विक्रमादित्य को किसी समस्या का समाधान करना होता था तो वे चाणक्य को अपने पास नहीं बुलाते थे, वे खुद चाणक्य जी के आश्रम में जाकर उस समस्या के समाधान के लिए जाते थे, ना कि चाणक्य विक्रमादित्य के पास आते थे। हमारे ऋषि मुनि की परंपरा जो है वो राजाओं से भी बढ़कर है। इसी तरह से मैं तो धर्म को जो कहूँगा वो हमारे जीवन का, हमारे समाज का एक मूल सिद्धांत और एक मूल रूप से उसकी जो है एक बेस है, उसकी जड़ है। जो राजनीति है, आजकल राजनीति बड़ी ही एक होची और बड़ी इस तरह के राजकंडे अपना लिए हैं उन्होंने, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे धर्म को आपस में लड़वाते हैं, आपस में धर्म का सहारा लेते हैं अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए। लेकिन धर्म का काम आपस में वैर भाव पैदा करना नहीं है। अगर कोई सच्चा सदगुरु किसी भी धर्म का जो अच्छा अनुयायी होगा उसका दूसरे के प्रति कभी द्वेष हो ही नहीं सकता। आज के दौर में हर एक भारतीय नागरिक लगभग हर धर्म के बारे में संक्षेप में जानकारी रखता है और इस चीज से भी अवगत है कि कोई धर्म दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि हर धर्म का सर्वप्रथम उद्देश्य शांति और अमन ही है। तो फिर क्यों एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है? क्या धर्म इस बंटवारे को प्रोत्साहित करता है या फिर इस भोली भाली जनता के कंधों पर रखकर कोई अपनी सियासत की बंदूक चला रहा है? क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे।